नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, आज का मेरा वीडियो है गोधूल बेला पर, गोधूल बेला के महत्व पर। अक्सर उपाय के दौरान कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो गोधूल बेला पे मैं बताता हूँ तो लोग पूछने लगते हैं कि ये गोधूल बेला क्या होती है। तो ऐसे लोग जो इस शब्द से अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। और ये सोचकर ही मैंने ये वीडियो बनाया ताकि ऐसे लोगों को भी मालूम पड़े जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, मुहूर्त में रुचि रखते हैं और गोधूल बेला के विषय में जानना चाहते हैं। मित्रों, गोधूल बेला को शास्त्रों में अत्यंत शुभकारी बताया गया है। इस मुहूर्त में किए गए कार्य शुभ फलदायी होते हैं। तो आइए जानते हैं कि गोधूल बेला क्या होती है। गोधूल का अर्थ है गो धन धूल। गो यानी गाय और धूल यानी गायों के पैरों से उठने वाली धूल। पहले क्या होता था, जब गौएं जंगल से चरकर वापस आती थीं तो वह वक्त शाम का होता था, या यूं कहें कि लोग समझ जाते थे कि शाम होने का वक्त है। तो इस तरह सूरज डूबने के आसपास का संध्याकालीन वक्त गोधूल बेला कहा जाता था। यह सूर्य डूबने के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का कालखंड होता है। इस गोधूल बेला को विवाह के लिए भी शुभ माना जाता है। मित्रों, इस बेला को इतना शुभ क्यों माना जाता है कि इसमें विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी किए जाते हैं। विवाह की शुद्ध लग्न और समय न निकल रहा हो तो गोधूल बेला में विवाह कर लेने का विधान है। कहते हैं कि लग्न आदि सभी प्रकार के दोषों के खत्म करने की शक्ति गोधूल बेला में है। शायद इसका कारण यह है कि गौ माता को हमारे शास्त्रों ने बहुत महत्ता प्रदान की है। गाय का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और उनके पैरों से उठने वाली धूल भी बड़ी शुद्ध और शुभकारी होती है। मित्रों, ऐसा भी मैंने सुना है कि सूर्योदय से सातवीं लग्न गोधूल बेला कहलाती है। गोधूल बेला के विषय में एक पुस्तक है मुहूर्त चिंतामणि, तो उन्होंने इस विषय में लिखा है कि गोधूल बेला की प्रशंसा में उन्होंने लिखा है कि नक्षत्र तिथि करण लग्न दिन नवमांश मुहूर्त योग अष्टम स्थान जामित्र दोष, इन सबों का विचार गोधूल लग्न में नहीं करना चाहिए। गोधूल सभी कार्यों में प्रशस्त है, ऐसा मुनियों ने कहा है। इसी पुस्तक में गोधूल का भेद बताते हुए भी लिखा है कि हेमंत ऋतु में संध्या समय सूर्य जब गोलाकार हो जाते हैं, गर्मी के दिनों में जब आधे अस्त हो जाते हैं सूर्यदेव, तथा वर्षा ऋतु में संपूर्ण अस्त होने पर गोधूल होती है। तो ये तीनों प्रकार के गोधूल समय सभी कार्यों में, सभी शुभ कार्यों के लिए शुभ होते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सियाराम, नमस्कार।